dear students in this module we're going to understand the levels of analysis in the field of sociology when we talk about different levels of analysis in the field of sociology we come to know that there are three levels of analysis that are important in the field of sociology the micro macro and meso levels micro level analysis refers to the individual level Of analysis and एंड on ऑन इंडिविजुअल behaviors बिहेवियर्स एंड एटीच्यूड माइक्रोलेवल एनालिसिस के अंदर हम इंडिविजुअल के एक्शंस को फोकस करते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर को फोकस करते हैं और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एक फ़र्द वाद के ऊपर माशरे के बाकी स्ट्रक्चर्स जो हैं असरंदाज होते हैं और लीड करते हैं उसको टवर्ड सर्टन एक्शन और टूवर्स सर्टन बिहेवियर्स हमारे जितने भी ओपिनियंस होते हैं हमारे जितना बिलीफ सिस्टम है ये सारे का सारा हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से चूँके सीखते हैं इस पर असर होता है आपके ग्रुप वैल्यूज़ ग्रुप नॉर्म्स और आपकी जो कम्यूनिटी के स्टैंडर्ड्स ऑफ डिज़ायरेबल बिहेवियर्स होते हैं ये सब इंडिविजुअल के ऊपर असरंदाज़ हो रहे होते हैं तो माइक्रो लेवल अनालस पे सोशालोजिस्ट जो हैं ये ऑब्ज़र्व करने की या ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एक इंडिविजुअल की शेप शेपअप होती है और उस पर्सनालिटी को शेपअप करने में उसका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो क्या रोल प्ले करता है एंड देन वी कम टू द मैक्रो लेवल एनालिसिस व्हिच रिफर्स टू द सोसाइटी और सोसाइटल लेवल ऑफ एनालिसिस एंड फोकस ऑन द लार्ज स्केल सोशल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन लार्ज स्केल सोशल स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि कैसे फैमिली स्ट्रक्चर बनता है कैसे इकोनॉमिक सिस्टम जो है बनता है इसी तरह से मीडिया का क्या रोल होता है किसी माशरे के अंदर पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल हो जा हो, होता है एजुकेशन सिस्टम किस तरह से वर्क करता है तो ये सारे मैक्रो लेवल अनालस के ज़ुमरे में आते हैं आगे जाके डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से थ्रेटिकल परस्पेक्टिव्स हैं जो माइक्रो और मैक्रो लेवल के अनालिस को डील करते हैं इसी तरह से मैसो लेवल अनालस है विच रिफ़र्स टू

वो सोसाइटल लेवल को अफेक्ट कर रहे होते हैं सोशल स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं और इसी तरह से सोशल स्ट्रक्चर जो है वो कैसे इंडिविजुअल को अफ़ेक्ट कर रहा होता है अगर हम पाकिस्तानी माशरे के अंदर इन को एनालाइज करने की कोशिश करें इनकी एग्जाम्पल्स देखें तो माइक्रो लेवल कुड इंक्लूड स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल बिलीफ्स एंड एटीच्यूड्स ऑन जेंडर रोल्स फॉर एग्ज़ाम्पल वी डू कंसिडर दैट जेंडर और द और डिफरेंट देर देर मस्ट भी सेग्रीगेशन ऑफ टू जेंडर्स मेल का एक अपना डोमेन है फीमेल का अपना डोमेन है लेकिन ये जो ओपिनियंस हैं या ये जो बिलीव्स हैं ये किस तरह से इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को असरानंदाज करते हैं और कैसे माइक्रो लेवल के ऊपर इंडिविजुअल्स जो हैं वो इन बिलीफ सिस्टम की बुनियाद के ऊपर अपने अपने रवैयों को माशरे में प्रैक्टिस करते हैं इसी तरह अगर हम मैक्रो लेवल एनालिसिस की बात करें तो दिस

सोशल स्ट्रक्चर में सोशल सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल लेवल्स के ऊपर और ग्रुप लेवल के ऊपर जो है मुख्तफ रवैयों पर असरअाज़ होते हैं एंड फाइनली द मैसो लेवल कुड इंक्लूड स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल ऑर्गनाइजेशन ऑन लोकल कम्यूनिटीज़ जैसे मस्जिद का एक क्या किरदार है किसी भी कम्यूनिटी uh, के अंदर इसी तरह से डिफरेंट जो फिलंथ्राफिक ऑर्गनाइजेशन होती हैं एन जी ओज़ का क्या रोल हो सकता है तो इनको हम मैसो लेवल के ऊपर देखते हैं मस्जिद में जैसे मिसाल के तौर पे मस्जिद एक कम्युनिटी सेंटर के तौर पे भी काम करती है एक स्पिरिचुअल सेंटर के तौर पे भी काम करती है तो इंडिविजुअल जो है वो उससे किस तरह से जुड़ा रहता है और उसके ऊपर उसके बिलीव्स के ऊपर जो है ये क्या असर पैदा करती है तो ये तीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ अनालस हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर सोशोलोजिस्ट जो है माशरे के अंदर डिफरेंट सतह के ऊपर लोगों को के रवैयों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है